करेंगे नानक ताऊ से, बहुत ज़्यादा वायरल है। मैंने भी इनको ऐसे ही पहचाना जाते जाते गाजीपुर बॉर्डर पर मिले, मन करा इनसे बात करते हैं। ताऊ जी, अब सरकार इतना झुक गई है, थोड़ा आप भी झुको। कहाँ झुक गई है सरकार? सरकार कह रही है बैठ के बात कर लेते हैं, डेढ़ साल तक कानून रख लेते हैं, उसके बाद कहाँ ही हठधर्मी। भाई सरकार की तो एक बात चल रही है, तारीख बे तारीख, और यही बात है कहने पे कि कानून तुम्हारे यहाँ बड़े फायदेमंद हैं, कानून तुम्हारे यहाँ बड़े फायदेमंद हैं। यहाँ पे मैंने एक बात पहले हूँ कह चुका हूँ और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ ये वीडियो वायरल को गानों भयो कि मैडम बैठ बे लहरों में। तो मोदी जी कह रहे हैं कि मैडम बैठ बे लहरों में, स्पेशल तेरी खातिर लाया। स्पेशल देखो कानून स्पेशल किसानों के लिए लाए हैं, इसमें स्पेशल लाए किसानन को, कतई स्पेशल लाए कि मैडम बैठ बेलेरो में स्पेशल थारी। तो बैठते क्यों नहीं जब गाड़ी आपके लिए तैयार है? बैठ हम नुना रहे कि हमें पतो लग गई है, इनने पहले कही कि तने नैनीताल घुमा दूं, गोवा की सैर करा दूं, तने नैनीताल घुमा दूं, 15 लाख का चेक थमा दूं। ओहो, अच्छा अच्छा, वो 15 लाख याद आ रहे हैं आपको, और तेरी आमदनी दूनी करवा दूं। नहीं, दूनी के लिए तो लाए हैं अभी मोदी जी। मैडम बैठ बेलेरो में, और भैया हमें पता लग गई है कि हमारी आमदनी की बात कर रहे हो, हमारा देश गुलाम होने वाला हो रहा है। कैसा गुलाम हो रहा है? आपके मार्केट खुल जाएंगे, आप समझिए बात को, प्राइवेट सेक्टर में आपके फसल जाएगी, नए बिजनेसमैन आएंगे, ठेके पर आपको कहेंगे कि भैया इतना पैसा लो खेती करो, उसमें दिक्कत का है? अब दिक्कत बता रहा हूँ भैया मैं, तो है कॉन्टैक्ट, या कहें कॉन्टैक्ट के कॉन्टैक्ट करो, सरकार वो कॉन्टैक्ट दे रही है, किस सरकार है कि सब सौदा कॉन्टैक्ट पर दिए, कॉन्टैक्ट का मतलब जाने तो कॉन्टैक्ट के सब आपस में संबंध है ना, कि जो कॉन्टैक्ट पर जा रही का है, और कि जब सभी कॉन्टैक्ट पर चली जाएगी भैया कि जनता कहा करेगी, ये कहा करेगी? जनता के लिए तो ला रहे हैं मोदी जी, जनता पर करेगी कहा भाई, वो जनता उसके साथ मिलकर काम, वो खेती करेगी, वही जो ठेके पर खेती जिन पर करवाएंगे, आलू आपसे पैदा, अच्छा बासमती चावल आपसे पैदा करवाएंगे, अच्छा गन्ना पैदा करवाएंगे, अच्छी जो है मक्का पैदा करवाएंगे, मतलब अलग अलग जो जिससे कंपनी। और हमने कॉन्टैक्ट करके देख लियो है, अच्छा मिलते करके देख लियो कॉन्टैक्ट, आज रो रहे हैं हम गन्ना के किसान, वह कॉन्टैक्ट हो बीज वाने दियो, गन्ना हम पे बवा लियो, लेने को जब नाम आवे तो क्या करें, पर्चीन पर 00 लिखी आ रही है, कभी पर्ची नाम है, फिर पैसन ने दो दो तीन तीन साल के पैसा पर हैं, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते पर हैं। तो भैया हमने कॉन्टैक्ट करके देख लियो। दूसरी बात, मैं तो एक बात समझाना चाह रहा हूँ इन नवयुवान तक, कहना चाह रहा हूँ ये किसानन कोई आंदोलन ना है, ये हर नागरिक का, हर बच्चा को, हर हिंदुस्तानी का है। कैसे है मैं समझा रहा हूँ, ये सरकार पहले हमारी जो भारत सरकार पे है वही तो हम पे है, जो सरकार को है वही तो हमारा है। बिल्कुल, पहले नौकरी करें हम भारत सरकार की, लेकिन ये सब है कॉन्ट्रैक्ट में देते जा रहे हैं, प्राइवेट में देते जा रहे हैं। हमने पूछी सरकार से तो बात भैया हमारी होना है, हम सरकार के समर्थन वाले लीडर से तो बात कर रहे हैं, सरकार आपसे बात करो या लीडर से बात करो, आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन तब एक बात हो, आप तो सीधे आदमी हो, गाँव से चले आए, खालिस्तानी एंगल भी बता ही रहे हैं, सरकार की खालिस्तान का पैसा लगा है, जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं उनका पैसा लगा, आप समझिए बात को। ये तो हमने पहले ना बताई, ये तो हमें ऐब लगामे, ये तो कभी हमें कोई उठावे तो कहो क्या ये पाकिस्तानी बता दे, क्या ये खालिस्तानी बता दे, और अब ही ना करो या सरकार ने ऐसा ही हमारे संग करो ऐसा ही है कि पहले तो हीरो बना दिए सरदार, के लंगर लुटा रहे, पंजाबी चला रहे आंदोलन, पंजाब के सिख के ये चलाई के ना चलाई, हीरो बनाए के ना, और ये हीरो बना के और हमें लालसा दे दी कि तुम दिल्ली में बाहर बाहर परेड कर लो, हम खुश है गए, चलो हम दिल्ली या बाहर से ही देख लेंगे, और हम वहाँ है गए, और इनने अपनों ही आदमी भेज के इनको योगो लाल किले पे, लाल किले पे जो हुआ था, लाल किले पे बताइए तिरंगा का अपमान हुआ है। हाँ भाई, ये तो बता रहा हूँ, इनने अपनों ही आदमी भेज के वो लंगूर भेज दियो, और वहाँ को ना कोई धर्म, एक नहीं आदमी सैकड़ों आदमी थे। अरे वाई के गो यहाँ ना आगे सारे भाई को सगरे ने को लिवा के ले गो वहाँ को, और जाके झंडा टांग दियो, और के खालिस्तानी ने झंडा टांग दियो, अपमान कर दियो तिरंगा को, गई तो चाली और वह चाले चल के, और देखी कि यहाँ ज्यादा है ना, और 200-500 गुंडा आए यहाँ, मैं हो रात को यहाँ 200 गुंडा आए, जितनी भी की पुलिस ही ना, खाकी बारी और तेरी नीली बारी, ये सब देख रहे हुई, और इनने बिल्कुल ना रोके, हम पे ईंट पत्थर बाज रहे, टारगेट है सरदार। आप इंटरनेशनल मामला, वो आप जानते हो वो क्या नाम है, रेहाना और जो क्या नाम है उसका, मियां खलीफा की को जानते हो,
ना मैं ना जानू भैया खलीफा फलीफा, तू बता कहा मियां खलीफा ने भी आपका समर्थन किया है? अच्छा हमें समर्थन करो है भाई मियां खलीफा जानो आप हमें समर्थन करो है आपको समर्थन भाई बहुत बहुत धन्यवाद उनको मियां खलीफा ने हमें समर्थन करो है हम बड़े खुश हैं। हम तो एक और कहें भाई तुम खलीफा हमारे या खलीफा है मना दे भाई या खलीफा थे हमारी अटक रही है कर रही मियां खलीफा कैसे मना सकती है किस खलीफा की बात कर रहे हैं आप? मैं अपने खलीफा की बात कर रहा हूँ जी जो हमारे राजा ना मान रहे हमारी सरकार ना मान रही ये खलीफान की सरकार है। कौन से खलीफा की सरकार ये जो अदगार सगरी सरकार नहीं, नहीं, सीधा बताओ की है। एक एक तो एक झूठ होया हमें बड़े से बड़े झूठ आया हमें। मियां खलीफा तो देखा होगा देखी होगी आपने? मैं मैंने मियां खलीफा ना देखी पर मैंने गे खलीफा खूब देखे हैं भैया। अच्छा अच्छा इन खलीफान ते हमारो फन छोड़वा दे भाई वाह खलीफान ते कह दीजो तू के गुज है का या मना ले और भाई हमारे दिल दर पार रह जाएंगे। और बता भैया अब ये कल का जो धरना जो चक्का जाम था वो भी वापस ले लिया है अब उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा तो क्या लग रहा है कि किसान थोड़ा सा नरम हो रहे हैं सरकार के प्रति? ना नरम ना है रे ये बात हमारे किसानों की समझ में आ गई है जाए मैं तुम्हारे माध्यम से बार बार कह रहा हूँ कि भाई हम वहाँ कहीं अहिंसा के पुजारी हैं महात्मा गांधी को पूजने वाले हम शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे हम कहीं भी हिंसा चाहते नहीं हम कहीं नहीं चाहते चक्का जाम करो अपनी लोगों को समझाओ लोगों को सद्बुद्धि आए हमारे देशवासियों को सद्बुद्धि आए कि हम एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं या प्राइवेट या किसी एक के गुलाम। मेरा मानना तो यह है कि देश गुलामी की तरफ जा रहा है और अब वायरल हो रहा है तो पता है आपको आपका वीडियो वायरल हो रहा है अभी हम वो या बात की ना खबर कहा है रोया आपका एक वीडियो बड़ा आपकी जो भाषा आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? मैं अगर यही बात है पूछे तो मैं हूँ हिंदुस्तानी एकदम चार मेरे हाथ हैं। नहीं नहीं वो हिंदुस्तानी तो हम सब हैं लेकिन आप वैसे पैदा कहाँ हुए थे रहने वाले कहाँ के हो आपकी जो आइडेंटिटी है वो कहाँ की है? और मेरी बात ये कहते हैं एक फिल्म में गानों सुनो है रास्ता दे दो ताऊ सुन तो ले तेने फिल्म में गानों सुनो एक छोरी कह छोरा थे कभी तू छलिया लगता है कभी आवारा लगता है और गुज छोरा कह जैसा तू समझे ये तुझ में छोड़ा है और जिंदगी भर का नाता हमने तुमसे जोड़ा है। तो सुनो मुझे जो जहाँ का समझ रहा हो भाई चैलेंज से कह रहा हूँ जो जहाँ का मुझे कोई मथुरा का कह रहा है मैं मथुरा का मुझे कोई राजस्थान का कह रहा है मैं राजस्थान का अगर मुझे कोई खालिस्तानी भी कहे तो मैं पंजाब का। ये थे ताऊ नानक जो लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं और आप इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि किसान पूरे हिंदुस्तान का होता है और जो मांग है उस पर सरकार को गौर करना चाहिए। दिल्ली से कैमरा सोगी कमर के साथ मनोज शर्मा।